नमस्कार दोस्तों, अगेन आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लोर कनाडा पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यार, फ्लेमिंग कॉलेज का टोरंटो में कैंपस ओपन हुआ था। बहुत सारे दोस्तों को एक क्वेश्चन था कि वो कैंपस कैसा है, वहाँ पे हमें वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आओ आज हम चलते हैं, पहले फ्लेमिंग कॉलेज का कैंपस का टूर करते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉलेज का वर्क परमिट मिलता है या नहीं मिलता, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता है हमारी स्टडीज़ के बाद में। और साथ में अगर आप यार हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलो अभी चलते हैं कैंपस के अंदर, आपको कनाडा की एक अच्छी चीज़ बताते हैं। कनाडा में आप बाईसाइकिल को रेंट कर सकते हैं, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे आप पे जहाँ भी जाना है वहाँ पर स्टेशन पे ड्रॉप कर सकते हैं। और इन बाईसाइकिल की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो पर ट्रिप हाफ एन आवर के आपको $3 पे करने पड़ेंगे। बट इनके जो एनुअल और मंथली प्लान्स हैं वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी चीप हैं। हम अभी फ्लेमिंग कॉलेज के पास में खड़े थे तो यहाँ से आप साइकिल उठा सकते हैं और अपने घर के पास कहीं भी स्टेशन पर ड्रॉप करके घर आना जाना कर सकते हैं। तो ये सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, यही बिल्डिंग है फ्लेमिंग कॉलेज की। इसी बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर पे फ्लेमिंग कॉलेज है। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं और अंदर वाली साइड में जाके देखते हैं फ्लेमिंग कॉलेज कैसा है। काफ़ी स्टूडेंट घूम रहे हैं, काफ़ी हलचल है, मूवमेंट काफ़ी है, तो अंदर जाके भी देख लेते हैं कॉलेज कैसा है। तो ये एक बिल्डिंग के नीचे छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर बोल दो या कैफेटेरिया बोल दो, तो यहाँ पर बैठ के भी कुछ आप अगर खाना पीना है तो यहाँ से खा पी सकते हो। ये भी फ्लेमिंग कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पे है सेम बिल्डिंग में, तो यहाँ पे अपने कुछ इंजॉय करना है तो कर सकते हैं। काफ़ी कुछ रखा हुआ है इन्होंने। तो यार हम कैंपस की वीडियो बनाने आए थे तो आते ही अंदर देखा, अंदर तो इनका लंच वगैरह चल रहा था। ये देखो, तो मैंने सोचा पहले लंच करते हैं उसके बाद वीडियो बनाएंगे। तो अभी आराम से बैठ के लंच करेंगे दोनों भाई और उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे आगे वाली, फिर आपको दिखाते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, साथ में अच्छा इंजॉय करो। नॉन वेज है, वेजिटेरियन है, दोनों है, तो इसको आराम से खाओ पहले और उसके बाद क्लासेज लगाओ। तो अभी हम खा लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं कैंपस कैसा है फ्लेमिंग कॉलेज का। तो मेनली फ्लेमिंग कॉलेज की क्लासेज है वो फोर्थ फ्लोर पे लगती है एंड थर्ड फ्लोर पे नायगरा कॉलेज की भी क्लासेज लगती हैं। यहाँ पे कुछ नायगरा कॉलेज वालों ने अपनी सेटिंग कर रखी है क्योंकि उनके पास उधर स्टूडेंट ज़्यादा थे। तो यार फाइनली हम फोर्थ फ्लोर पे पहुँच गए थे। फोर्थ फ्लोर पे फ्लेमिंग कॉलेज की बिल्डिंग है, तो अभी चलते हैं हम इधर वाली साइड में, स्टार्ट करते हैं पहले कॉलेज को, देखते हैं कॉलेज कैसा है। तो राइट साइड में सबसे पहले आ जाती है कॉलेज की लाइब्रेरी। तो अगर लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी में लगे हुए चार कंप्यूटर, 4 से 8 लोग बैठ कर यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है। और इधर वाली साइड में स्टाफ है तो हम अंदर जा नहीं सकते। चलिए आगे चलते हैं कॉलेज में, आगे देखते हैं क्या है। इधर वाली साइड वन एंड ओनली बॉयज़ रेस्टरूम एंड इधर वाली साइड में ये क्लासरूम है। तो अभी क्लास लग रही है तो हम अंदर नहीं जा सकते। और उसके बिल्कुल सामने दूसरी क्लास है। तो बेसिकली आपकी सारी क्लासेज हैं वो इस तरह से दिखने वाली है। तो ये आपका क्लासरूम है, कोई स्पेशल नहीं है, नॉट बैड, ठीक है, क्लासरूम जैसा क्लासरूम है, कोई डिफरेंट यूनिक नहीं है। तो कॉलेज के अंदर जो भी क्लासरूम बने हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट बने हुए हैं। नियर अबाउट 7 to 8 क्लासरूम्स हैं यहाँ पे और हर एक क्लासरूम के अंदर मोस्टली क्लासेस लगी हुई हैं। तो इधर वाली साइड चलते हैं, कैफेटेरिया देख लेते हैं और क्लासरूम और भी देख लेते हैं कि और क्लासरूम में क्या खास है। हर रूम में ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हैं इस टाइम और क्लासेस स्टार्ट हैं। यहाँ पर लंच सर्व कर रहे हैं आज कैफेटेरिया में, हमने भी इंजॉय कर लिया लंच। ये भी एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बैठ के आप बाहर का भी व्यू ले सकते हैं कि बाहर सब कुछ क्या है। तो बाहर से काफ़ी अच्छा दिखता है, व्यू अच्छा है। बट ये वाला कॉलेज का कैफेटेरिया आज इसमें भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे लंच वगैरह चल रहा है। तो यार अभी वीडियो देख के आप लोगों को आइडिया तो मिल ही गया होगा कि कैंपस कैसा है। ओनली एक फ्लोर के ऊपर कैंपस बना हुआ है और वहीं पे आपकी सारी स्टडीज़, वहीं पे आपकी सारी क्लासेज डन होगी। प्लस पॉइंट मुझे इस कैंपस का ये लगा कि अगर आप यहीं पे आसपास में रह रहे हो तो आपको जॉब्स वगैरह इजीली मिल जाएंगी। और साथ में अगर हम बात करें मेन कैंपस की, तो जिनको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, जिन्होंने बड़े कैंपस में जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, ज़्यादा सीरियस होकर स्टडीज़ वगैरह करनी है, तो उनके लिए मेन कैंपस अच्छा है क्योंकि मेन कैंपस बहुत बड़े हैं इस कैंपस के कंपेरिजन में। और साथ में मैंने जैसे पहले बोला था कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है या नहीं मिलता, तो हाँ, इस कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है अकॉर्डिंग टू द CIC जो आप स्क्रीन शॉट स्क्रीन पर देख रहे हो। तो ये वाले
तीनों कैंपस हैं जो इसके वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड यार मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी, आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प होगी फ्लेमिंग कॉलेज के बारे में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। थैंक यू।